हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इनकी सूपरान पनीर मक्नी बिरयानी एपी वीटल रेस्टारेंट स्टाइल पड़ेदा पाकपर अब स्मोक्ड फ्लेवर सो वा एपी पड़े पाकल ना इत कप मेशरमेंट के दर कप बासमती अरसि इत रे अलवान कुकिंग ना इनकी पड़े सो आधा नहीं अब रेटी पाको इत ना अलसिटे मुपद निम्स ऊरा वे मुपद निम्स कल्ची तेल नम्बर ड्रेन पड़ी एड़ इं मोदे वो रईस कुक अद्क और पात्र ना मुकाल पाक ती वून उप रे प्रयाणी इले और पट मूणु ऐलका और चिना स्टार अनी और मूणु क्राबू सेतकल इपून नेकल सेती ना मिक्स पाको मिक्स पड़े ते ना कुछ वरण ते ना कुछ इंतजार अरसिया सेतकल लाइटा मिक्स पड़े नम्बर मूड़ अरसि वो एण्ड सदवी वं वरण नमुक बाहर 80 पर्संटेज अल्वक अरसि वो ना वं पकड़ा नमुक प्रयाणी वो उड़ाम वो इंब पनीर मक्नी ग्रेवि फर्स्ट रेडी पड़ी के अद्क और पेन रे स्पून बटर सेतर बटर ना मेलट आने पे नील वाक नरकन वंगय सेतर वंगय ना वदकन के अपरमा रे स्पून इंजी पू विल से ना वदको ना पचास पोन पे तक नील वकल नरक सेतकल इोड़ और स्पून अल्वक उप से ना मिक्स पड़ी मूड़ रे मूँ निम्स कुकूंग अब तक ना मसेजी वो और रे निम्स कल्ची ना वो तक वदंगी इंब तेव मसा सेतकल और स्पून अल्वक काश्मीर रेड चिल्ली पउडर और स्पून अल्प गरम मसाला रे स्पून अल्प प्रयाणी मसाला सेतर उ कारम पात अड्जस्ट पाको मिक्स पाकल अर ग्ला अल्प तटी से मसाल नम्बर को नाम वो कुकल इंग ना वह मसा वो वदंगी ना मसेजी विटको इत नोल नम्बर कैश्यू वो आड पड़ी कैश्यू आड पड़ा ना क्रीमी टेक्स्चर कल आर्न पे मिक्स माटी नम्बर ना पेस्ट अरेकल ना मई अरेचाच इन रे स्पून बटर आड पड़े आड पड़ी ना अरे वचर विलद सेतकल इोर अर ग्लास अल्वक ती ऊती नम्बर कंसिस्टेंसी अड्जस्ट पाकल ना मुंद्रि पर्प अरे से अरे सीकर कटी आई ती सेतर रे निषं कुक पड़ी ना वो एन पेज ग्रेवल इत स्टेज ना और नाल स्पून अल्वक कटिया तय सेकें नाम एं फ्रेश क्रीमें सेकल नम्बर मुंद्रि पर्प तय मटमें कंसिस्टेंसी क्रीमी कंसिस्टेंसी सेतर ना मिक्स पाको इ ना 100 ग्राम पनीर वो ए नम आड पाकल इचमिग कीरी एचकल प्रयाणी पचमिगो फ्लोवर रोमे सूपर ना ग्रेवि कुछ वरुद पचमि आड पाको इंजा कसूरी मेती इतमी कई कसक नम सेक फ्लोवर ना मिक्स पाको रे निम्सम कुक पड़ा नम्बे पनीर मक्नी ग्रेवि सूपर रेडी आता वो नम लिंग स्टार्ट पड़ेल अद्क ना और परिये पात्र बटर वो अल्ले पड़े नम्बर रेडी पड़ी वचर ग्रेवि आड पड़ी के फर्स्ट वो लेयर पड़े नम्बर ग्रेवि वे लेयर पड़ेल नम्बर कुक पड़ी एचर राइस ऐड पनिकला। हमारे बढ़ियों ग्रेवी ऐड पनिकला। अब वर्ते वेंगा ऐसे तकला। नाला और कई अलग के हम पुदीना ऐसे तकला। अब कुंज में पुड़िया नारकने कोत्तमल्ली ऐसे तकला।
குங்குமப்பூ பாலில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். குங்குமப்பூ பாலும் ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பிரியாணியில். இப்போ அடுத்ததான் நம்ம மறுபடியும் அதே லேயர் ப்ராசஸை ரிப்பீட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு ரைஸு, நெக்ஸ்ட்டு கிரேவி, கொஞ்சமாக வெங்காயம், அடுத்ததாக புதினா சேர்த்து நம்ம லேயர் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி லேயர் பண்ணி பண்ணுறதுனால நமக்கு பிரியாணி பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் எப்பயும் செய்கிற பிரியாணி விட இதை மாதிரி லேயர் வந்து பண்ணி பிரியாணி வந்து தம் கட்டி சாப்பிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ கடைசியாக ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் வந்து பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் மேலே. கடைசியாக கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ பாலும் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நான் ஏற்கனவே தோசைக்கல் வந்து ப்ரீஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதுக்கு மேலே நம்ம லேயர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாத்திரத்தை எடுத்து வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் போல் தம்மில் வந்து வேகட்டும். இப்போ நான் இதில் கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு வறுத்து சேர்க்க போகிறேன், அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் பிரியாணி பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே ரிச்சாக இருக்கும். முந்திரி பருப்பு நல்லா வந்து வறுத்துருச்சு, இப்போ நம்ம இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபைனல் டச் வந்து பார்த்திங்கன்னா, நான் ஒரு சின்ன கறி துண்டு வந்து எடுத்து இதை மாதிரி நெருப்பில் சுட்டு நம்ம இது மாதிரி உள்ளே ஒரு பவுல் வச்சு இந்த கறி துண்டை உள்ளே வச்சு மேலே வந்து ஒரு ஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மூடி வந்து உடனே மூடிடணும். அப்போ தான் அந்த உள்ளே வந்து அந்த கறி துண்டோட அந்த ஸ்மோக் ஃப்ளேவர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் பிரியாணியில். இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு சூப்பராக போக மூட்டமாக இருக்குது பிரியாணி. டேஸ்ட்டை வந்து சான்ஸே இல்லாமல் வேறு லெவலில் இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்மளுடைய சூப்பரான ஸ்மோக்டு ஃப்ளேவர் பன்னீர் மக்னி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்ற ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் என் கூட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனல் ஸ்பைசெட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.